नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल बिल मिरर, हर पल आपके साथ। मैथन डैम से आज एक युवती का तैरता हुआ शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान कुलटी निवासी 22 वर्षीय दीपिका हाजरा के रूप में हुई है। कुलटी लाल बाजार निवासी अक्षय घोष और जामताड़ा गिरिया निवासी मोमिता मल्लिक दोनों आपस में प्रेम करते थे और आज दोनों भागकर कल्याणेश्वरी मंदिर पहुंचे और शादी रचा ली। इसकी खबर मिलते ही वर पक्ष और लड़की पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और काफ़ी समझाने के बाद भी जब प्रेमी जोड़े नहीं माने तो लड़की पक्ष ने बेटिया दामाद को बाइज्जत अपने घर ले गए। आपने के छेले मेर बाबा मैंने मेटर बाबा ना क्या अपना नाम রবিন তো আপনি বক্তব্যে কি বলছেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি দুজন। কেন ছেলের মা বাবা নিয়ে যায়নি? আর তুমি বাবু তুমি কি চাইছো, তুমি কার সঙ্গে যেতে চাও? আমি কারোর সঙ্গে যেতে চাই না, চাই আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। তোমরা দুজনে একসঙ্গে দেখতে চাও? গুরুবার কি সুবহ কল্যাণশ্রী কে সময়ে পিএচই ওয়াটার সাপ্লাই মে এক পেড় कटा हुआ पाया गया, जिसकी सूचना पाकर टीएमसी नेता बिल्टू साव, राजा खान, कौशिक पाल, विनोद सिंह मौके पर पहुंचे और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के कुछ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने बताया पेड़ काटने की अनुमति उनसे नहीं ली गई थी, ऐसी कोई सूचना विभाग के पास नहीं है। पीएचई डिपार्टमेंट से इस संदर्भ में पूछे जाने पर उनका साफ कहना था कि इस घटना की कोई जानकारी उन्हें नहीं है, जबकि राज्य सरकार और आसनसोल नगर निगम ग्रीन आसनसोल क्लीन आसनसोल की बात करता है। ऐसे में जहां हर ओर सभी मिलकर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, वहीं पीएचई विभाग द्वारा पेड़ को काटे जाने से लोगों में काफ़ी नाराजगी है। आपको कब पता चला पेड़ काटा गया? आज सुबह हम लोग 10 बजे हमारे कुछ स्थानीय बच्चे लोग आए थे, यहाँ पे देख रहे थे गाछ कटाई चल रहा है, तो हम लोग को इन्फॉर्म किया। हम लोग आते आते देखे ये पूरा गाछ कटिंग हो चुका है, तो फिर हम लोग अपना ऊँचो नेतृत्व को बताएं जब ये ऐसे ऐसे बात है, तो वो लोग बोले जाओ तुम एक्शन करो। हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखे हैं, चिट्ठी दिए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आ चुका है यहाँ पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या कहना है अभी स्टाफ लोग का? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी आ रहे हैं, आके बोले हम लोग एक्शन ले रहे हैं, जो जो कटा है हम लोग नाम दिए हैं उन लोग को भी जो जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी ग्रीन लिखा हो गया ग्रीन आसनसोल के लेके, उसके लिए अब पेड़ का इसीलिए तो ये ग्रीन आसनसोल का हम लोग तो रखा करने के लिए हम लोग तो तैयार हैं। हाँ। लेकिन ऐसा करके गाछ कटिंग चलेगा यहाँ कुछ कुछ यहाँ रात को गार्ड रहते हैं क्या? हाँ, गार्ड भी रह रहा है, गार्ड रह के यहाँ पे कुछ आदमी ब्रिटिश प्रोजेक्ट बोल के एक प्रोजेक्ट है। हाँ। वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वही लोग यहाँ पे कटिंग में इन्वॉल्व थे, ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन आया है। पीएच का डिपार्टमेंट लोग क्या कह रहे हैं आपको? पीएच डिपार्टमेंट अभी साइलेंट है, अभी कुछ एक्शन नहीं लिया है हम लोग, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन लेंगे, अपना प्रोसेसिंग करेंगे, ये लोग अब देखते हैं क्या करेंगे, नहीं होंगे तो हम लोग हायर लेवल में और जाएंगे फिर। आपका नाम? मेरा आपको पता चला है कि गाछ कब काटा गया? आज सुबह में हम लोग का मालूम चला कि आज यहाँ गाछ काटने का काम चल रहा है। आप लोग का उसके बाद क्या किए? हम लोग उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर किए, थाना को इन्फॉर्म किए, लोकलिटी और भी पब्लिक को इन्फॉर्म किए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या कहना है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम लोग विदाउट परमिशन का यह गाछ काटा गया है। तो उन लोग का कुछ स्टाफ आए हैं? उन लोग का कुछ स्टाफ आए हैं और ऑफिसर आ रहे हैं, वो लोग बोले हम लोग एक्शन लेंगे। पीएच डिपार्टमेंट का क्या कहना है अभी? डिपार्टमेंट तक तो अभी तक हम लोग खबर किए हैं, डिपार्टमेंट तो कोई पॉजिटिव आंसर अभी तक नहीं दिया। आगे आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? हम लोग देखिए अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर एक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हाई लेवल में जाएंगे। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम बिल्टू साहब। श्री गुरु नानक साहेब जी के 550वां प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को कुलटी स्थित ग्रीन पॉइंट स्कूल के समीप कुलटी छात्र संगत द्वारा एक भव्य पैमाने पे लंगर का आयोजन किया गया, जहाँ पे अधिक संख्या में सिख समुदाय के लोग एकत्रित हुए और लंगर छका। Thank you.
पीछे उधर पीछे बनने बैठे हैं, पीछे कुर्सियां, हाँ जो बैठो उधर आओ ना बैठो। लगातार हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है धनबाद के जो रहने वाले हैं खाने के बहुत शौकीन हैं, हम लोग तरह तरह के हम लोग फेस्टिवल करते रहते हैं। तो अभी जो है हम लोग वही सोचे हैं कि शेफ ने जैसे बताया कि पास्ता, हाथ से बना हुआ पास्ता एकदम करेक्टली बना के उसको ट्विस्ट देना और वो भी सिज़्ज़र के ऊपर सर्विस करना, ये हर उम्र के तबके को लोगों को अच्छा लगेगा, छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए एकदम सूटेबल रहेगा, सबको मनपसंद आएगा। नाम बताओ।